शाम को जैसे आपने देखा होगा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सारे जो हमारे घटक दल है, फिर उसमें समाजवादी पार्टी है, शेतकरी संगठन है, सारे जो राजू शेट्टी जी है, सब इन्होंने साथ में आकर उद्धव ठाकरे साहब को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के नेता चुने गए, सीएम पद के लिए उनको चुना गया है। राज्यपाल महोदय ने हम पे एक हमें आज समय देकर सरकार स्थापना की एक चांस दी है, हम खड़े ठहरेंगे। मुझे ये लगता है कि आज हम सभी साथ जब यहाँ आए, आपके आशीर्वाद लेने आए हैं, सभी जनता के आशीर्वाद लेने आए हैं और महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए आए। हे सगळं आता लवकरच कळेल आपल्याला। मी आता आपल्याला सांगतो की आपण जरा थोडा आज रात्रीसाठी आराम करा। ह्या सगळ्या ज्या इतर गोष्टी आहेत, ह्या खरं तर सगळे नंतर इतर जे मोठे नेते आहेत शिवसेनेचे, काँग्रेसचे, राष्ट्रवादीचे, एकत्र बसून बोलतील आणि प्रेसला संबोधित करतील। खरं तर मी इथे एकटं बोलणं हे योग्य नाही, कारण इतर मोठे नेते पण आपल्याशी बोललेच असतील, पण आपण खूप वेळ थांबलेलं तर मला वाटलं आपल्याशी एक थोडी गप्पा मारून आणि आज आपल्या शुभेच्छा घेऊन पुढे निघेल। आणि आज हो 28 तारखेला शपथविधी ठरलेले आहे। राज्यपाल ने इंटरव्यू दिया है जिसमें सात दिन की कुछ जी क्या है आप अभी थोड़े डिटेल्स, ये सारे बड़े जो नेता है उनको देने दीजिए, मैं देना कोई योग्य नहीं। थैंक यू।